अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि टिकटॉक ऐप जो कि बैन हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस क्या कहती है और टिकटॉक का बैन होना पाकिस्तान में कैसा है। तो अगर बेसिकली मेरी एक अपनी पर्सनल राय लेना चाहे तो मैं खुद जो इसके बारे में राय रखूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इकदाम है टिकटॉक को बैन करने का, क्योंकि टिकटॉक ऐप एक बहुत ज़्यादा फाशी फैलाने वाली ऐप थी, बहुत ज़्यादा ये फाशी फैला रही थी टिकटॉक पे। भले टिकटॉक पे जो फाशी फैलाने वाले लोग थे चंद लोग थे, लेकिन पीटीए ने बार बार टिकटॉक की इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि आप ऐसा मवाद टिकटॉक से हटाए, जिस पे टिकटॉक ने ज़रा भी गौर नहीं किया। बार बार यकीन दहानियाँ ज़रूर कराई टिकटॉक की इंतज़ामिया ने, बट इस पर ज़रा भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो जिसके बाद बिला आखिर आज 9 अक्टूबर को पीटीए ने टिकटॉक को बैन कर दिया। तो टिकटॉक बैन होने से अब समझता हूँ मैं भी कि कई टिकटॉकरों का एक रोज़गार था जो था वो इस चीज़ ख़त्म हो रहा है, वो जा रहा है। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ टिकटॉकरों को कि अपना दिल ना छोटा करें, अगर उनमें कोई टैलेंट है कुछ है तो वो अपना टैलेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर लाए। अगर कोई वो समझते हैं कि वो टैलेंटेड है तो वो अपना टैलेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर लाए। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक के पेजेस वगैरह। बाकी टिकटॉक पे मैं जो समझता था कि बहुत ज़्यादा एक जो एक वो बेनिफिट मिला हुआ था कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती थी, ख़ास तौर पे लड़कियों की, मैं माजरत के साथ बोलना चाहता हूँ लड़कियों को, कि जो ये समझती थी कि हमारी टिकटॉक पे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक उन्हें जवाब है कि आपकी ये फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। अगर आप समझती हो आपकी टिकटॉक पे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी तो अगर वो आपके फ़ैन्स हैं तो वो आपको देखने यूट्यूब पे भी आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी आ जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा मेजॉरिटी तमाशबीनों की थी, वो सिर्फ तमाशबीनियाँ देखते थे टिकटॉक पे बैठ के, कोई फैंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि टिकटॉक का कोई कंटेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई वो कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं है, कोई यहाँ कुछ नहीं है। माना इंटरटेनमेंट थी, सब कुछ थी, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा फहाशी भी फैला रखी थी टिकटॉक वालों ने। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पीटीए इस पाबंदी को बरकरार रखेगी। आमीन। अल्लाह हाफिज़।